नमस्कार जय हिंद। सबसे पहले हम बात करने वाले फुकरा इंसान एलविस यादव के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, फुकरा इंसान एलविस यादव के बीच में अभी के टाइम पे बिग बॉस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। एक्चुअल में हुआ क्या था, पूरा मैटर मैंने कल वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर मैं शॉर्ट्स में समझा देता हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या था, यहाँ पर जैसे एलविस यादव ने एंट्री करी थी ना, उसके बाद में फुकरा इंसान, जिया एंड फलक एक रूम में बैठे हुए होते हैं एंड वहीं पर वो एलविस यादव को लेकर डिस्कशन करते। लाइक सबसे पहले फलक इन जिया बोलती है कि एलविस यादव अभी आया इसलिए हाइपर हो रहा है, मतलब जानबूझ के सबकी उंगली कर रहा है एंड जानबूझ के वो सब कर रहा है एंड थोड़े टाइम रहेगा ना तो वो भी शांत हो जाएगा एंड ऑल्सो उनके जो चलने की स्टाइल रहती है एलविस यादव उसको कॉपी करती है एंड देन और भी काफ़ी सारी चीज़ें बात करती है एलविस यादव के बारे में। जिसके की बात क्या था, फुकरा इंसान तीनों मिलकर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं, जिसके बाद फुकरा इंसान वहाँ से रूम से बाहर आ जाते क्योंकि वहीं पर एलविस यादव आ जाते हैं एंड ऑल्सो एलविस यादव उनको ये भी बोलते कि भाई फुकरा क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा से ये आशा बिल्कुल भी नहीं थी। जिसके बाद वो बाहर आते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा फुकरा इंसान यहाँ पर शो के लेट के हंसते हैं, जो कि यार एलविस यादव के जो फैंस थे एंड एलविस यादव को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद फुकरा इंसान को काफ़ी हेड रिसीव होने लग गया था। जिसके बाद क्या था, अगले दिन सवेरे यहाँ पर एलविस यादव और फुकरा इंसान ने बैठ के इस चीज को शॉर्ट आउट कर लिया। वहीं पर फुकरा इंसान बोलते कि भाई तुम ऐसे जानबूझ के उंगली मत करो, अगर तुम ऐसे जानबूझ के हाइपर हो गए, जानबूझ के उंगली करोगे देन मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, ठीक है। वहीं पर एलविस यादव बोलते कि भाई तुमसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे लगा था तुम मेरा साथ दोगे लेकिन तुम मेरा अगेंस्ट में बोल रहे हो, ठीक है। लोग उनको बोल रहे हो कि मैं उनको समझा दूंगा एलविस को सवेरे। अब ये सारी चीजें होने के बाद में क्या होना, फुकरा इंसान यहाँ पर एलविस यादव यहाँ पर फिर से यहाँ पर दोपहर में ऐसे बातचीत करते होते हैं। वहीं पर ना एलविस यादव यहाँ पर फुकरा इंसान से कुछ बातें बोलते। सबसे पहले पर एलविस यादव बोलते हैं तू तो ऐसा नहीं था भाई, यहाँ आके डिप्लोमेटिक बन गया। जिसके बाद अभिषेक यहाँ पर उसका रिप्लाई करता है, बाहर से न्यू वर्ड सीख के आया है क्या, इसको डिप्लोमेटिक ने स्ट्रेंज ऑन फेस बोलते हैं। इसके बाद एलविस यादव फिर से इसका रिप्लाई करते हैं, तेरा दुश्मन के साथ उठना बैठना रखता है, मतलब देखिए अब देख अभी समंदर आया था, मतलब वहाँ पर इनडायरेक्टली यहाँ पर हिंट देते हैं कि जैसे आपको बताओ क्रिमिनाटी का एक सॉन्ग है सांपों से भरा है समंदर, ठीक है, यलगार सॉन्ग, वहीं पर थोड़ा सा हिंट देते हैं उनको कि जिया का नाम लेते जनरली कि वो जो ना सांपों से भरा समंदर है, सारे सारे लोग साफ है, कब पलटी मार जाए इनका कोई भरोसा नहीं। जिसके बाद ना एलविस यादव फुकरा इंसान को फिर से कुछ हिंट देते हैं, वो यहाँ पर बोलते हैं यलगार सांपों से भरा है पूरा समंदर, यहीं पर वो मतलब की बात करते हैं लेकिन फुकरा इंसान इसको समझ नहीं पाते। वो बोलते हैं क्या तू भाई क्या बोल रहा है, उसको क्लियरली बोल, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा एंड एलविस यादव इतना ही बोल के चुप हो जाते हैं। वो बोलते इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, इसमें मेरा नुकसान है, फिर भी मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ, मैंने तुझे इतना बता दिया, अब तू समझ जाए कि सांपों से भरा समंदर क्या है इन यलगार वगैरह भी यहाँ पर बोलते हैं लेकिन फुकरा इंसान इस चीज़ को नहीं समझ पाते वहाँ पर एंड ऑल्सो। इसके बाद ना कल जो है यहाँ पर कुछ तीन नए गेस्ट आने वाले थे बिग बॉस में जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन से गेस्ट, जो कि तीन नए गेस्ट आए। अब इस चीज को लेकर ना एलविस एंड पूजा भट्ट यहाँ पर आपस में बात कर रहे थे। सबसे पहले एलविस यादव बोलते हैं यार ये कहीं पुनीत सुपरस्टार को वापस गेस्ट में ना लिया है। उसके बाद पूजा रिप्लाई करती है मुझे लगता है मेरे करीबी लोगों को ना लिया है एंड ऑल्सो। वहीं पर ना एलविस यादव एंड बेबिका की भी एक कन्वर्सेशन चलती है। वहाँ पर बेबिका सबसे पहले एलविस यादव से बोलती है कितने सब्सक्राइबर तुम्हारे, उसके बाद एलविस यादव बोलता है 150 है मेरे। बेबिका बोलती है तुम्हारे तो मिलियंस में होंगे ना एलविस, गेस करके बताओ। उसके बाद बेबिका फिर से बोलती है 13 मिलियन। उसके बाद एलविस यादव बोलता है 1500 मिलियन एंड ऑल्सो। बेबिका जो ना जानबूझ के एलविस यादव के पास में जाती है, उनसे दोस्ती करना चाहती है। बता तो कल जो ना एलविस यादव यहाँ पर खाना वगैरह होने के बाद में जब बर्तन साफ कर रहे होते हैं वहाँ पर बेबिका जानबूझ के उसकी जो मदद करने जाती है। इसके बाद एलविस यादव यहाँ पर बोलता है बेबिका जी रहने दो, वहीं पर बेबिका बोलती है नहीं तेरा पहला दिन है मैं धो देती हूँ, इतना हेल्प तो डिजर्व करती हूँ मैं। इसके बाद ना एलविस यादव यहाँ पर फिर से मतलब कि यहाँ पर बेबिका को थोड़ा सा ट्रोल करते हैं, मजाक में बोलते हैं मैं ढाबे पर पहले छोटू था वहाँ पर बर्तन धोया करता था। बेबिका प्रवृत्ति कौन सा था, एलविस यादव इसका रिप्लाई करते हैं सऊदी अरेबिया में। इसके बाद में बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट उनको एक टास्क दिया गया था नए राशन के लिए, बिग बॉस हाउस में राशन खत्म हो गया था, अगर उनको नया राशन चाहिए उनको सबसे पहले टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टास्क उनको दिया गया था उस टास्क का नाम था बोलो जुबा केसरी टास्क, जहां पर जैद हदीद को शाहरुख खान का रोल दिया गया था एंड वहीं पर ना बेबिका को उन्होंने रोमांटिक पार्टनर चूज किया था, वहीं पर अभिषेक मल्हान को अक्षय कुमार का रोल दिया गया था एंड इनको एक विलन चूज करना था, मतलब कंटेस्टेंट में से किसी को भी, ठीक है। इसके बाद में एलविस यादव को अजय देवगन का यहाँ पर रोल दिया गया था, इनको भी मतलब किसी एक बंदे को यहाँ पर सेलेक्ट करना था एंड उनकी जो स्पेशलिटी बतानी थी, ठीक है। जिसके बाद क्या था एंड देन जो टास्क था ना इसको एलविस यादव ने जीत लिया, बता दूं। एलविस यादव को ना एक बंदे को कोई को भी सेलेक्ट करना पड़ता था ऑडियंस में से कंटेस्टेंट में से, वहीं पर वो अविनाश को सेलेक्ट करते टास्क के दौरान, वहीं पर उसकी स्पेशलिटी बतानी रहती, मतलब कि अविनाश कैसा है, उनको उसका बिहेवियर कैसा लगा एलविस यादव को। जिसके बाद क्या था, खुल्लम खुल्ले यहाँ पर एलविस यादव ने अविनाश का रोज क्या स्टेज पर बुला के वहाँ पर बार बार बोलती है जो बदलू है, मतलब कि पार्टी चेंज है, डरपोक है, ये जो ना लड़कों से कोई पंगा नहीं लेता, लड़ाई भी करता है, फाइट भी करता है, लड़कियों से करता है, अपनी ओपिनियंस नहीं रखता है, ठीक है। एंड इस तरीके से वो काफी गंदे तरीके से रोज करते यार अविनाश को। टास्क के दौरान यहाँ पर फलक ना जो ना एलविस को बोलते हैं क्या आपके कान खराब है, जिसके बाद एलविस यादव रिप्लाई करता है आप डॉक्टर है ठीक करेगी। एंड जो उनका टास्क था ना इसको जो एलविस यादव ने फाइनली जीत लिया, बोलो जुबा केसरी टास्क के जो विनर बन चुके एलविस यादव। एंड इसके बाद ना एलविस यादव ने मनीषा के यहाँ पर थोड़ी सी कन्वर्सेशन चलती है, यहाँ पर मनीषा बोलती है कि कहाँ से हो तुम, ठीक है। वहीं पर जो मतलब एलविस यादव पहले बोलता है कि मैं सऊदी अरेबिया से हूँ, जिसके बाद मनीषा बोलती है कि अब्रॉड से हो, वहीं पर एलविस यादव बोलता है अरे नहीं सऊदी अरेबिया तो जोड़ के पीछे। एंड यहीं पर यहाँ पर मनीषा को यहाँ पर एलविस यादव फिर से कुछ बोलते हैं, वो बोलते हैं कि वो जो है बहुत जल्द जैसे यहाँ पर बाहर निकलेंगे वहाँ पर उसके बाद में एक म्यूजिक वीडियो करेंगे
बिहार है, सऊदी अरेबिया, वहीं पर वो मनीषा रानी को कोलेब्रेशन करेंगे इंस्टाग्राम पे सॉन्ग में। तो सर बिग बॉस को लेकर अभी तक इतनी अपडेट थी, आगे और भी कोई ऐसी बिग बॉस से जुड़े अपडेट चाहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या कर रहा डेली अपडेट दे रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, सब बात कर लो कैरी मिनाटी के बारे में। तो क्या कैरी मिनाटी सौरभ जोशी को रोस्ट करने वाले हैं, बता दो। कल कैरी मिनाटी ने अपने इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट की थी जहां पर ना सौरभ जोशी का एक ब्लॉग पैरोडी बनाते हैं, मतलब जितने भी ब्लॉगर्स उनका एक ब्लॉग पैरोडी का उन्होंने छोटी सी क्लिप शेयर करी थी। एंड यहीं पर उन्होंने बताया कि वीडियो कमिंग सून, मतलब बहुत ही जल्दी उनका ब्लॉगर्स के ऊपर एक रोस्ट वीडियो आने वाला है। एंड यार उनके रील भी यहां पर आप देख ही सकते हो। ये तो आईपैड है सरप्राइज। अरे ये तो ये जो इसने पिछले हफ्ते दिया था मेरे को, देख मेरा नाम भी लिखा हुआ इस पे चाची। अरे सत्यानाश हो, फिर कर क्या आप लोग सब कुछ? सरप्राइज चाची जी सरप्राइज। सुबह से पैक कर रहा हूँ मैं गार्डन। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं ना आपको गांव भेज दूंगा। दोबारा कर ले। सुबह सर मेरे के लिए यही थी अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के लिए, सब्सक्राइब कर लेना।